हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक का सब्जेक्ट चल रहा है, 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। जल्दी से 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि समय है कम और काम है ज़्यादा। 12वां क्वेश्चन क्या आ रहा है, कंपेरिजन बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक। अब नेशनल और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक में क्या कंपेयर करना है, देखिए जब भारत का भारत में हमको सामान भेजना है तो नेशनल लॉजिस्टिक, जब भारत के बाहर भेजना है तो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक। कॉस्ट किस में ज़्यादा आएगी, इंटरनेशनल में आएगी। डॉक्यूमेंट किस में ज़्यादा लगेंगे, इंटरनेशनल में लगेंगे। टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, इंटरनेशनल में लगेगा। लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, इंडिया के अंदर होते हैं, इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल गवर्नमेंट यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WTO, ये IMF, ये संस्थाएँ उसके ऊपर लॉ लगाती हैं। अब कॉम्प्लेक्सिटी किस में ज़्यादा है, इंटरनेशनल में, यानी कि सब जगह इंटरनेशनल है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश करी है। नेशनल जो रहता है वो विद इन सिंगल कंट्री रहेगा, इंटरनेशनल जो रहेगा वो अक्रॉस कंट्रीज रहेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी नेशनल जो रहेगा वो लेस कॉम्प्लेक्स रहेगा और ये हाई कॉम्प्लेक्स में रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाइडर रेंज नेशनल में ज़्यादा रहते हैं, इंटरनेशनल में कम हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब हो सकता है कि इंटरनेशनल में वहाँ पर उसके लैंडलॉक कंट्री हो तो सी नहीं है। अब वैसे तो नेशनल के अंदर भी कम रहते हैं लेकिन नेशनल में रोड ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंट मोड्स रहते हैं, लाइक कि आप बस से भेज सकते हो, आप बाइक से भेज सकते हो, आप कार से भेज सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल के अंदर बेसिकली कार्गो इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। तो वाइडर रेंज किसमें आपको नेशनल लॉजिस्टिक में मिलती है ना। मैनेजमेंट, यहाँ पर सिंगल लॉजिस्टिक मैनेजर होता है, यहाँ पर मल्टीपल मैनेजर होते हैं क्योंकि नेशनल ज़्यादा रहता है। नेशनल वाला लेस एक्सपेंसिव होगा, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। नेशनल वाले में रिस्क भी कम होगी, इंटरनेशनल में रिस्क भी ज़्यादा होगी। यही सारे पॉइंट है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट रिपीटेटिव वन में से रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं और जल्दी से जल्दी ये सीरीज़ कंप्लीट करते हैं क्योंकि 12 क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। 11-12 कौन सा क्वेश्चन था, 12 क्वेश्चन हो गए। चलिए दो ही क्वेश्चन और बचे हैं और जल्दी से सीरीज़ कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।